आसिबा संपूर्ण खबर को पुणी होहाला पुणी नाराबाजी आउ इहारे भितरे म्यूट होइगला लोकसभा स्थिति एभली हैला आसंता सोमवार पर्यंत मूलतवी होईची लोकसभा और राज्यसभा ना ब्रिटेन बयान प्रसंगे राहुल गांधी किछि कहि पारिले ना लोकंकर कथा किछि हैला आलोचना संसद बाहरे देखिबाक मिलिथिला विरोधी मेली आदानी प्रसंग उठाई सरकार को घेरिथिले तमाम विरोधी एपटे बीजेपी रो सही गोटिए दाबी क्षमा मागंतु राहुल गांधी राहुल विदेशी शक्ति सहित एक हो देश विरोध में किसी गोटे बड़ खेल करने को चाहूवा कही बीजेपी आ कांग्रेस रो जवाब कौन सी परिस्थिति रे क्षमा नामंजूर म्यूट जहां कहिले किछि भी शुभुनि सबु ठीक ठाक थिला आसन रे बसिले लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला बाचस्पतिंको निर्देश क्रमे कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी कहिबाकु आरंभ कले एहारी मध्यरे कांग्रेस सांसद गृह मध्यंकु जाई कहिबाकु लागिले राहुल गांधींकु कहिबाकु सुजोग मिलु हेले कोन हेला के जानी हटात आउ किछि सुभिलानी ना बाचस्पति जहा कहिले सुभिला ना सांसद माने जहा कहिले सुभिला आउ एही म्यूट वीडियो कु नै जोर धरिछि चर्चा कोण कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद रे जे म्यूट बा माइक बम कथा कहउछंती ए सही म्यूट नुहे त कारण एही वीडियो को कांग्रेस तार सोशल मीडिया पेज रे अपलोड करबा परे जणक परे जणे कांग्रेस नेता एहा को शेयर करउछंती कि जब मांग की जा रही थी कि राहुल गांधी जी को बोलने दो मैंने लोकसभा का आवाज ही बंद कर दिया म्यूट कर दिया आपने देखा होगा और लोकसभा के अध्यक्ष हंस रहे थे इस तरह का सीन हम देख रहे हैं तो क्या बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना की व्यवस्था बना चुकी है जेते बेले कांग्रेस सांसद माने कहिबा पई अपील करथिले जेते बेले बीजेपी सांसद माने राहुल गांधी को इस्तीफा दाबी करथिले सेते बेले म्यूट होई जायथिला लोकसभा हेले संसद बाहरे आदानी प्रसंग रे बड़ पार्टी रे नाराबाजी करथिले विरोधी सांसद विरोधीक प्रदर्शन में सामिल होते यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित राहुल गांधी दाबी पुरुणा स्लोगान भी पुरुणा आदानी मामलार हेउ जेपीसी तदंत कांग्रेस सहित गांधी मूर्ति तले बसिथिले 18 विरोधी दल अगर सदन की कार्रवाई चल गई तो अडानी कहेगा मैं सबका नाम खोल दूंगा जिस जिसने मुझसे माल खाया है तो इसलिए भाजपा की मजबूरी है सदन डिस्टर्ब करना जरूरी है और अडानी का नाम कहीं आ गया तो फिर बताएगा हवाई जहाज का कितना बिल हुआ था जिस पे मोदी जी घूमे थे तो इसलिए छोड़िए सदन भाजपा नहीं चलने दे रही है लोकतंत्र का इतिहास कलंकित हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला है ये मोदी अडानी घोटाला है लाखों करोड़ की भारत माता की संपत्तियां लूटी गई हैं बैंकों में लूट की गई है बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया अडानी के द्वारा इसमें जेपीसी से जांच होनी ही चाहिए विरोधी हाउ हाउ को हल्का भाव में नहीं सरकार जेपीसी तदंत दूर कथा अदानी प्रसंग में मुह खोलु नहांती नेता कि मंत्री हेले पूर्व परी राहुल गांधी क्षमा मागिबा दाबी करिछंती केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव राहुल विरोध में आप झूठ बोले बाहर और यहाँ पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं संसद से बड़े हैं देश से बड़े हैं एक परिवार क्या सबसे बड़ा है उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहाँ पर बोलने का मौका दें राहुल गांधी एकदम पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो गया है कि वो विदेशी तत्वों का के साथ मिलकर के कोई बड़ा खेल देश के साथ खेल रहे हैं केंद्र मंत्री और सांसद राहुल गांधी को समालोचना करुवा बेले एवं जोरदार टारगेट करिछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राहुल गांधी को क्षमा मागिबाकु पड़ियो बोली कहिछंती नड्डा सबरे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कड़ा जवाब देइछंती कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है राहुल गांधी आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं
और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हो हल्ला नाराबाजी भितरे स्वाभाविक होई पारुनि संसदर बजेट अधिवेशनर द्वितीय पर्याय लगातार पंचम दिनरे लागी रहिथिला अचलावस्था जहाँ फलरे उभय गृह को आसंता सोमवार पर्यंत मुलतवी करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पुणि पांच दिनिया रिमांडरे मनीष सिसोदिया अबकारी दुर्नीति बाबदे पचराउचरा कर ईडी जांच एवं गुरुत्वपूर्ण पर्यायर पहुंची। ईमेल डाटा और मोबाइल को फोरेन्सिक जांच कोर्टे प्रवर्तन निर्देशालय सब रास्तार केजरीवाल सरकार विरोध में संग्राम जारी रखी बीजेपी साधारण लोकों दिल्ली सरकार दुर्नीति प्रसंग अवगत कराने नेता आप कही सिसोदिया समस्या पकड़ रिमांड पर रिमांड मागि चली ईडी आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया बेला एवं भल ना गोटी मामलें बारंबार घाटी होजरीवाल अति विश्वस्त मनीष सिसोदिया बहुचर्चित अबकारी दुर्नीति मामलें पुणी पांच दिनिया रिमांड नहीं प्रवर्तन निर्देशालय शुक्रवार रिमांड अवधि शेष होता बेले अथर रिमांड पर कोर्टे अपिल कर ईडी प्रवर्तन निर्देशालय दाबी थिला एवं जांच एक गुरुत्वपूर्ण मोड़े पहुंची अनेक तथ्य ईडी हाथ लगी इमेल डाटा और मोबाइल फोन को फोरेन्सिक जांच करणु रिमांड एवं जरूरी जहाँ पर मोहर मारी अदालत कोर्टे रिमांड अवधि वृद्धि को विरोध करते सिसोदिया आईनजीवी सीबीआई प्रथम समान मामलें सबकि तथ्य हासिल कर सारी पुणी कहीं ईडर रिमांड आवश्यकता पड़ी प्रश्न करते सिसोदिया वकिल जेतेबेले अदालत सिसोदिया रिमांड अवधि अनुधान करुथले सेतेबेले दिल्ली में केजरीवाल सरकार विरोध में मोर्चा खोलीथिला बीजेपी दलर वरिष्ठ नेता माने केजरीवाल सरकार विरोध में विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन करते दिल्ली रो मेट्रो स्टेशन में साधारण लोकों को केजरीवाल सरकार दुर्नीति प्रसंग अवगत कराइथिले नेता एक बहुत ही मैसिव शराब का घोटाला हुआ है और उस शराब के घोटाले के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी जेल में है एक दूसरे हवाला घोटाले के अंदर एक ऑलरेडी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है किसी कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही है हमारा ये मानना है कि इन सब घोटालों के जो किंग पिन है इनके सरदार हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। जिन तीन लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामने कराया 7 दिन लगाकर आज फिर कोर्ट में ईडी के वकील कहते हैं कि जिन लोगों से हमने इनका आमना सामना कराया इनसे फिर से आमना सामना कराना है उन्हीं लोगों से फिर आमना सामना कराएंगे तो हमें 7 दिन और दे दो। मजाक चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हालात है हमारे देश में। ये पटे शुक्रवार ठू आरंभ होउछि दिल्ली विधानसभा बजेट अधिवेशन उपराज्यपाल विनोद सक्सेना अभिभाषण आरंभ होउछि अधिवेशन निजर अभिभाषण में दिल्ली सरकार विभिन्न योजना विषय में बखाणी थे उपराज्यपाल एस केजरीवाल सरकार को प्रशंसा भी करते देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ जो मर्यादाएं होती हैं बोलने की वो टूटी हैं लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा एक पेड़ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है हवा के लिए वो मैं यहाँ पर कहकर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि रोज गिराती है पत्ते मेरे फिर भी हवाओं से टूटते नहीं है रिश्ते मेरे। आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से दिल्ली में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है हर क्षेत्र में हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सड़कों के क्षेत्र में बिजली के क्षेत्र में पानी के क्षेत्र में टूरिज्म के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हर क्षेत्र के अंदर बहुत जबरदस्त प्रगति हुई है पिछले 5-7 साल के अंदर। विवाद घेर में दिल्ली अबकारी नीति न अबकारी नीति होता दुर्नीति पछले रही सिसोदिया हाथ सिसोदिया बीआरएस नेत्री के कविता हाथ थी अभियोग आनी बीजेपी कविता ईडी गोटे राउंड में माराथन जेरा हेले बे ईडी ऑफिस जाई आ जेरार सम्मुखीन होगापी चाहूना तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर झील के कविता ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। राजस्थान हेबो आ 19 टी नुआ जिला आ 3 टी डिविजन मध्य हेबो
विधानसभा घोषणा कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कहवा कथा नुआ जिला और डिविजन गठन पर सरकार निकट में दावी होता जहां पर अनुधान करने को एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन होता कमिटी रिपोर्ट आधार में निष्पत्ति विधानसभा घोषणा कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 नुआ जिला मिसाइले राजस्थान हेब 52 जिला सेपरी 3 नुआ डिविजन मिसिले मोट डिविजन संख्या 10 हेब राजस्थान ने चलित वर्ष निर्वाचन होगा बेले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नुआ जिला कार्ड खेली बीजेपी दबदबा थिबा अधिकांश स्थान रे जिला विभाजन हेब आजीविका के भौगोलिक दृष्टि से हम भी छोटे राज्य वेस्ट बंगाल ने भी नए 7 जिलों की घोषणा की है। इसी कारण प्रदेश से भी कई स्थानों में नए जिले बनाने की मांग प्राप्त हुई है। हमने इन प्रस्तावों के विस्तृत अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया था जिसकी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। 2024 बीजेपी विरोध में एकाठी हेबे कि विरोधी यह संभव हो पारिबो कि लागुचे आदो संभव हेबनी कारण कांग्रेस प्रति एबे किछि आंचलिक राजनैतिक दल रही आयुष्त भाव बीजेपी एवं कांग्रेस ठारु समान दूरतार रही 24 मेंट करबा को चिंता कले समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आज कोलकाता रे टीएमसी सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेटी 2024 साधारण निर्वाचन बाबद आलोचना करिसेंती एसपी मुख्य अखिलेश सिंह यादव कांग्रेस को दूरे रखी बीजेपी विरोध में मेंट करखिलेश पश्चिमबंगे हाट्रिक विजय पर दिल्ली में खोला है अणबीजेपी दल को एकाठी करने को उद्यम करते कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी एनसीपी रो बॉस शरद पवार प्रमुख को भेटी दीदी किंतु आज कोलकाता अखिलेश सहित करना कांग्रेस बीजेपी विरोधी मेंट गठन नहीं आलोचना अखिलेश और ममता भेटघाट पर टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय कहते जे विरोधी दलों मध्य कांग्रेस को बस भाव ठीक नुहे 2024 बीजेपी विरोध में रणहुंकार देवाक कांग्रेस अंटा भिड़ुवा बेले सब् विरोधी दल एक हेबाकू आह्वान देउछन्ते विरोधी मेंटर नेतृत्व नेबा किंबा प्रधानमंत्री पदपाई कांग्रेस लालायत तो नुहे बोली कही आसुछन्ते सबडे किंतु किछि आंचलिक दल कांग्रेस को पसंद करूनाहांती किछि दिन तले भारत राष्ट्र समिति नेत्री के कविता मध्य कांग्रेस को नहीं भिन्न मत देइथिले कांग्रेस आउ जातीय दल होइनाही बीजेपी विरोध में मेंट रहिबा कहले कांग्रेस को टीम मेंबर भली काम करियाकू पडियो बोली कहिथिले से मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो बंगाल से सफाया हो झारखंड से सफाया हो यूपी से सफाया हो और दक्षिण भारत से भी सफाया भारतीय जनता पार्टी का हो। देखिए मुझे क्या होगा आने वाले समय में ये चुनाव के बाद ही तय होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस को भुआ बुलाई दिले 3 गुजराती और जने राजस्थानी ठक प्रधानमंत्री कार्यालय टीम सदस्य कही बुलेट प्रूफ गाड़ी रे बुली जेड प्लस सुरक्षा रे बुलिले पंचतारका होटेल रही मस्ती भी कले ठक टीम मास्टरमाइंड गुजरात किरण पटेल को गिरफ कर जम्मू काश्मीर पुलिस श्रीनगर तक गत 2 तारीख से गिरफ कर बेले अन्य 3 जन खसी पल तबे लाज लागियो बोली पुलिस कथा लुचाई थिला हेले आज कोर्ट जेतेबेले किरण को विचार विभागीय हाजत को पठाइले सेतेबेले सब कथा सामना को आसिला अक्टोबर मासरे किरण पटेल तांको परिवार नै जम्मू काश्मीर जाइथिले परे पुणी तांकर ठक ग्यांग को साथिरे नै जाइथिले बुलेट प्रूफ कार रे बुलीबा सहित जेड प्लस सुरक्षा रे रही ठक टीम सब दर्शनीय स्थान समेत लाइन अफ कंट्रोल रे सेनार फॉरवर्ड पॉइंट मध्य बुली देखिछंती किरण पटेल बरफ रो मजा नेउथवा बेले जेड प्लस सुरक्षा अर्धसामरिक बाहिनी तांकु चारिपटु जगी रहितले किरण पटेल निजको प्रधानमंत्री कार्यालय प्लानिंग एवं कैंपेन विभाग अतिरिक्त निर्देशक बोली परिचय देते जम्मू काश्मीर प्रशासनिक अधिकारी सहित एकाधिक बैठक मध्य करते तेज किरण पटेल और सहित थिबा अन्य सदस्य मैंने ठक बोली केमिति जना पड़ा जड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सहित टूर में जवाक बाध्य करते किरण पटेल से वरिष्ठ अधिकारी सन्देह होगापर से सीआईडी को जनईते आपर सत सामना को आसला पुलिस किरण पटेल को गिरफ्त करने को सक्षम होता बेले अन्य माने खसी पलायंट जो किरण पटेल कहते हैं यह विरोध में राजनैतिक षड्यंत्र सहित गिरफ्त होता अगर 2 लोक जाणीशु छाड़ दि जाए We'll be right back.
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ରହିଛି କମିଙ୍ଗ୍ ଅପ୍ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଘମାସାନ ପରେ ନରମିଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ସରକାରଙ୍କର ପୁନଃ ଅପିଲ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ଧର୍ମଘଟ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଘୋଷଣା ତଥାପି ଚେତାବନୀ, 90 ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ଉଗ୍ର ରୂପ। କମିଙ୍ଗ ଅପ୍ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ତିନି ଦିନର ଘମାଘୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ହାଇ ଡ୍ରାମା ପରେ ଶେଷରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୁଲି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଇଥିଲେ ଲିଖିତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତା ପରେ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଯିବେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ, କିନ୍ତୁ ସଂଘ ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା, ସ୍ଥାନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ, ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡ୍ରାଇଭର, ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଦେଲେ ସ୍ଲୋଗାନ, ଜଣାପଡ଼ିଲା ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘକୁ ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସମେତ 6ଟି ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କନ୍ସିଡର କରି ଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଲେବଲ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝି ପାରିଲେ କି କଥା କଣ ଥିଲା ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଦାବି ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିକି ସେମାନେ ସ୍ପଟ କେବଳ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନୁହେଁ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ କି ନାହିଁ ସ୍ଥିର କରିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ସଂଘ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଘୋର ଅଭାବ ଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଲେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରି ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପୋଲିସ ଡିଜି, ଏମିତିକି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅନୁରୋଧ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜି ପରୋକ୍ଷରେ ତାଗିଦ ବି କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନେକ ଅଣ ଡ୍ରାଇଭର ସାମିଲ ହୋଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ।
आपण माने ड्राइवर भाई माने पिला मानंकर परीक्षा अछि परीक्षा दृष्टि रोगी मानंक कथा भाबी एवं जनसाधारण को जीवन जीविका को अभ्यात रखिया पई धर्मघट रु ओहरिया पई मु अनुरोध करी। राज्य में आईन और शांति श्रृंखला को आम केबे कंप्रोमाइज करी पारिबु नहीं, एटा आमर मुख्य दायित्व रही। और जदि एमती किसी घटना सृष्टि होउची ताहेले बाध्य हे करी सेमाने मध्य असुविधा रे पड़बे और आमे को ता विरुद्ध रे जहां आईन अनुजाई जो कानून स्थान अछि सेटा ग्रहण करबा को पड़बे। आपन जानिथुबे कि वर्तमान पिल्ला मानकर एग्जाम चलछि ताहर स्वास्थ्य क्षेत्र रे हॉस्पिटल रा आवश्यकता थिबो विभिन्न प्रकार साधारण जनजीवन रे ताहर आवश्यकता थिबो परिवहन व्यवस्था रे गोटे जगह रु अन्य जगह जीवन लागि प्रत्येक परिवहन व्यवस्था रे समस्या करा से सहयोग को निश्चित बलतर मथे आपन को माध्यम रे समस्त सहयोग करंतु। पुनः अनुरोधर प्राय 2 घंटा पर राज्य ड्राइवर महासंघ सभापति प्रशांत मेंडुली निज फेसबुक पेज रे आंदोलन स्थगित रखिबाने वीडियो पोस्ट करथिले। जेउ वीडियो रे प्रशांत रुक्ठो कहिछंती जे सरकार जेउ 90 दिनर मोहलत नेइछंती जदि ता भितरे दाबी पूरण न करंती तेबे 91 तम दिनरे ओडिसा देखिबो ड्राइवर को भयंकर आंदोलन। 90 दिन समय जो देइछंती आमे ताकु ग्रहण कोला आउ से 90 दिन जदि 90 दिन ना हला 91 नंबर दिन ओडिशा माने आउ गुटे किछि बड धरण रो जिंसो देखबा सरकार निहाति बुझी पड़थिबे। ड्राइवर माने जंदा कि हल्का रे नउथिले हमकु वर्तमान थुई हमर काम स्टार्ट करिजन तो से हल्का आउ नाइ नियन इथरो निश्चय ड्राइवर भाई माने किछि करि पारे बोली तांकर मध्ये आशा रहबा। आज जानि परले जे ड्राइवर समाज केते अछन्ति आउ किबडी से पदक्षेप नैछन्ति सरकार को जणा पडिला तेनो सरकार बाध्य होइकिरि हमकु हमरो जहां मांग अछि ताकु पूरण करिबा पई प्रतिश्रुति देबारु आमे आज राजरास्तरु निवृत्त रहिबा पई आमे बाध्य कलु। 3 दिनर आंदोलन परे ओहरिछंती ड्राइवर किंतु ड्राइवर को धर्मघट जोगु साधारण लोक बहु हैरान हरकत होइछंती। आंदोलन जदि आउ गोटिए दिन जारी रहिथांता तेबे अत्यावश्यक सामग्री सह पेट्रोल टांकी रे तैल स्थिति सांघातिक रूप धारण करिवार आशंका थिला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एट नोरिया। तोसाखाना मामलें आसंताकाल इस्लामाबाद कोर्टे हाजर हे पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान। इमरान को वकिल टीम सदस्य फैजल चौधरी सूचना देखते एणिकी इमरान खान को आ घर भितर लुचिबाकू पड़िबो नाही। तोसाखाना मामलें कोर्टे हाजर नहेबारु इमरान खान को विरोध में जमीन विहीन गिरफ परवाना जारी होता गिरफ्त करने को इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस को नाकेदम होगा पड़ता। इमरान खान को पाकिस्तान तेहरिक इंसाफ पार्टी समर्थक मैंने पुलिस सहित मुहांमुही होते दुई दुई थर चेष्टा करी विफल होता पुलिस तेज आसंता इमरान खान कोर्टे हाजर होगा निज आड़ प्रतिश्रुति बेले आज रद्द होती विरोध में जारी होता जमीन विहीन गिरफ परवाना। रिलायंस फाउंडेशन दृष्टि एवं पलटि गरीब पिलां राहा 20 वर्ष पाद दे नियारा प्रयास दृष्टि गरीब पिलां राहा पलटि दृष्टि जरिया 20,500 अधिक लोकंर मागणारे आखि ट्रांसप्लांट कर 1,75,000 लोकंर दृष्टिशक्ति फेर आई प्रयास 20 वर्ष पूर्ति अवसर मराठी में ब्रेली खबर कागज लॉन्च कर दृष्टि अवसर में पिलाए रिलायंस फाउंडेशन अध्यक्ष नीता अंबानी सहित फोटो भी उठाई से कहते दृष्टि लोकों जीवन में नुआ किरण आनी खुशी और आत्मनिर्भरशील करने ए कार्यक्रम एवं आंदोलन रूप नहीं आगक किभली अधिकरू अधिक लोके उपकृत हो पारे से प्रयास जारी रहे कहते नीता अंबानी 2003 आरंभ होता रिलायंस फाउंडेशन दृष्टि जहां एवं अनेक लोक समाज मुख्य स्रोत से जोड़े सहायक हो पारे। खसिला विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 10 शेष होता सप्ताह अनुजाई देशर फोरेक्स बा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 560 बिलियन डॉलर होनिमास सर्वनिम्न विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखा आरबीआई पदक्षेप ने
सुधहार बढ़ाई मुद्रास्फीति नियंत्रण माध्यम रे विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखा पदक्षेप किंतु ताहा पर्याप्त होनी विदेशी मुद्रा भंडार तीन मास रे सर्वनिम्न होता बेले विश्व बैंकिंग संकट जो भारतीय मुद्रा मध्य प्रभावित होती शुक्रवार डॉलर तुलन में भारतीय मुद्रार मूल्य 81.61 जहाँकि गत कालीठारु 0.1% कम मुंबई दिनिकिया भारत विजयी ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट्रे परास्त कला टीम इंडिया लोकेश राहुल 85 रन अपराजित इनिंग्स बल में भारत को यह विजय मिली प्रथम बैटिंग करी 188 रन करिथिला कंगारो टीम दल पक्षर मिचेल मार्स करिथिले सर्वाधिक 81 रन भारत पक्षर मोहम्मद सामी और सिराज 3 लेखाएं विकेट नहीं बेले जाडेजा नहीं 2 विकेट से भी हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव 1 लेखाएं विकेट दखल करते 83 रन दल करिथिला 5 विकेट